हाय गाइस, दिस इज सीता। वेलकम बैक टू हेल्दी क्विक। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्याज के पकोड़े रेसिपी। तो मेरे नए सब्सक्राइबर है जिनकी रिक्वेस्ट पे मैं आज मेरी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत इजी है और क्रिस्पी बनते हैं पकोड़े। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे बनाते हैं। मैंने 1.5 कटोरी बेसन लिया है, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, पानी और 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 कटोरी प्याज लंबे स्लाइस में काट लिया है और ये 1 चम्मच साबुत धनिया लिया है। सबसे पहले हम नमक और हल्दी को डालेंगे इसमें, फिर ये साबुत धनिया। पहले दोनों हाथों के हथेलियों से इसे मसल लेंगे। अब डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया, अब जो इंग्रेडिएंट मैंने इसमें डाले हैं, सबसे पहले हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें चाहे तो हरा पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें प्याज डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब भी आप पकोड़े बनाएं तो ये ध्यान रखें कि आप इसमें जिस चीज़ के भी आप पकोड़े बनाएं तो उतना ही बेसन रखें कि जैसे प्याज के पकोड़े बना रहे तो इतना ही बेसन डालें कि वो अच्छे से लिपट जाए उसमें और उसका टेस्ट बराबर आए बेसन का और प्याज का, और ज़्यादा कंसिस्टेंसी इनकी इसकी पतली नहीं करनी है, ठीक ठीक कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के करेंगे, एकदम से सारा पानी नहीं डालेंगे। इतना पानी डालेंगे कि बेसन और प्याज अच्छे से लिपट जाएगा। मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर का यूज नहीं किया है क्योंकि मैंने हरी मिर्ची डाली और वो काफ़ी तीखी है। आप चाहे तो डाल सकते हैं थोड़ा सा रंग देने के लिए। देखिए हमने मिक्स कर लिया है अच्छे से। तेल हमने पहले से ही गरम करने के लिए रख दिया था कढ़ाई में। अब चेक कर लेते हैं थोड़ा सा डाल के गरम हुआ है या नहीं अच्छे से। अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है, ज्यादा डालेंगे तो पकोड़े थोड़े मोटे बनेंगे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा डालना है हमें। आप चाहे तो इसमें चम्मच का यूज भी कर सकते हैं। और ये हम मीडियम आंच पे पकाएंगे। आप चाहे तो बिल्कुल धीमी आंच पे भी पका सकते हैं, थोड़े और क्रिस्पी बनेंगे, बट हम आंच को थोड़ा मीडियम रखेंगे। अब एक बार इनको अच्छे से ऐसे चला देंगे। एक साइड से हल्के से फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए हाफ फ्राई हो चुके हैं। जब भी आपके घर में कोई पार्टी या फंक्शन हो, ज्यादा पकोड़े आपको बनाने हो तो आप ऐसे हाफ फ्राई करके रख सकते हैं और बाद में उनको अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। जैसे कि बार फिर जो हलवाई वगैरह होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। एक साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं।
अब इनको ऐसे थोड़ा हिलाते रहेंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल देंगे। ये देखिए, और इनमें ज्यादा तेल भी नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि बेसन ने ज्यादा तेल पी लिया हो, ऑयली पकौड़े नहीं लग रहे हैं। ये देखिए, सॉरी अभी मेरे पास टिश्यू पेपर नहीं था तो मैं टिश्यू पेपर का यूज नहीं कर रही हूँ। दूसरा पाव हम डाल देंगे सेम प्रोसेस में। आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आपके घर में बुजुर्ग है तो आप बेसन थोड़ा और ज्यादा डाल सकते हैं ताकि आपके जो पकोड़े हैं वो थोड़े नरम बने। ये देखिए, दूसरा पाव भी हमारा तैयार हो चुका है, इसको निकाल लेंगे। जरर को ऐसे टेढ़ा करते हैं तो जो बाकी ऑयल होता है वो निकल जाता है। देखिए बिल्कुल नहीं लग रहे, एकदम सूखे सूखे पकौड़े बने हैं। पकोड़े हमारे बनकर तैयार है और सर्व करने के लिए मैंने लिया है एक कटोरी सॉस और दही। आप चाहे तो चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये पकोड़े की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए क्रिस्पी बने हैं पकोड़े। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी।